तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो? अच्छे तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो? अच्छी लग रही है ना? तो ये एक अपने लाडले भाई ने दिया था जयपुर में, उसका नाम है राठौड़। इस भाई का नाम अर्जुन राठौड़ है, तो इसी भाई ने बना के दी है ये टी शर्ट। तो इसकी इंस्टाग्राम आईडी है rowdy.rathod.arjun, अगर बनवानी हो तो कॉन्टेक्ट कर लेना भाई से। और दिखाता हूँ भाई ने क्या क्या लवली गिफ्ट दिए मेरे लिए। एक सेकेंड, ये बॉक्स है, मैजिक बॉक्स है, आसानी से खुलता नहीं। उसने हमारे साथ बहुत मजाक किया था, तो लेकिन अब मुझे पता लगा कैसे खुलेगा। ये ऐसे खुलता है और इसके अंदर मेरा नाम लिखा है चावलों में। तो ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं, कैमरे ने पता नहीं क्यों नहीं फोकस किया। तो ये नाम, इसके साथ ये लेंस और सीक्रेट बॉक्स और भाई ने मेरे लिए एक कप भेजा, मतलब एक कप लेके आया था। थैंक यू भाई इतना प्यार देने के लिए, बहुत अच्छा गिफ्ट है। और ये भाई ने, यकीन नहीं करोगे, एक घंटे में किया सब कुछ, ये और उसके बाद मिलने आया। भाई हेड्स ऑफ फॉर यू योर गिफ्ट्स। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, खोलना शुरू करते हैं, खोलना खालना। क्योंकि एग्जॉस्ट के पाइप के बहुत टाइम से मैंने एक वादा किया था कि आपको एग्जॉस्ट के पाइप साफ करके दिखाऊंगा। एक बंदे का तो डेली मैसेज आ जाता है, भैया बनाए नहीं, तो टाइम नहीं लगा। तो चलो आज बनाते हैं, अंदर से लेके आते रानी को। तो तरुण मेरी इस काम में मदद करेगा इसके साथ, हार्पिक के साथ। तो हार्पिक यूज करना है आपको एग्जॉस्ट पे, वो कैसे यूज करना है और कैसे साफ करनी है पाइप पे, आपको डिफरेंस पता लग गया होगा थंबनेल से कि क्या डिफरेंस आ जाता है। तो चलो बन्नो के निकालते हैं एग्जॉस्ट, बिल्कुल निकल जैसे। तो चलो, तो पहले इसकी वैली खोल लेते हैं और फिर साफ सफाई शुरू। पहले मैं इसके साथ देख लेता हूँ स्क्रू कौन सा लगेगा सही फिट है। तो ओपन हो गया, अब चलते हैं एग्जॉस्ट साफ करते हैं। याद है आपको मैंने अभी पीछे वीडियो बनाई थी एक बाइक क्लीनिंग की, देखो आप रेडिएटर कितना साफ हो चुका है। बिल्कुल ब्लैक। तो करते शुरू, फर्स्ट स्टेप जो रहता है हार्पिक को एक किसी ऐसे बोल में डाल लो जो अच्छे से लग जाए, कि डायरेक्ट लगाओगे तो कहीं भी लग सकता है और हार्पिक थोड़ी खतरनाक चीज है। आज पाइपों को बड़े तरीके से चमकाएंगे, क्योंकि
इसने पहले साफ कर रखे तो इसको मौका दिया मैंने यही साफ करेगा। मैं सिर्फ इतना साफ कर रहा हूँ जब तक ढाई नहीं बच जाते, ढाई बजने के बाद मैं भाग जाऊंगा, टांगा तोड़ दूंगा बहुत। तो वैसे ही आपको सिंपल तरीके से, ये बिल्कुल लिक्विड हार्ड लिक्विड है, आपको सिर्फ ब्रश से पूरी तरीके से लगाना है अभी इसको, फिर उसके बाद इसको आपको छोड़ देना है सूखने के लिए, और फिर आप दोबारा से यूज़ करना। दोबारा से कैसे यूज़ करना है बता? बस ये सूख जाएगा उसके बाद एक बार फिर से ऐसे लगा के, और ये जो स्क्रबर जिससे हम बर्तन साफ करते हैं ना घर में, 5 रुपए का आता मुश्किल से, ये रगड़ देना अच्छे से, दोबारा लगा होते हुए आएंगे। हाँ दोबारा लगा के, दोबारा लगा के 5-10 मिनट के लिए रख दो इसको, ताकि एक बार हार्पिक अपना काम कर ले, और फिर क्योंकि जब रगड़ना होता तो गीले में ही रगड़ना ज़्यादा बेटर रहता है। देखो आपको एक थोड़ा सा नमूना दिखा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से दिख रहा है कुछ, तो चमकना शुरू हो गया पाइप, सिर्फ इतना पोर्शन देखना है। पहले वैसे एक पाइप यूज करनी थी हमें साफ करके, ताकि दूसरी पाइप डिफरेंस दिखा सके, तो यही करेंगे, पहले एक पाइप को साफ करेंगे ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए। तो आपको पता है तरुण को मैंने क्यों इन्वॉल्व किया है? क्योंकि जब सफाई हो तो कम से कम आपको ढंग से पता लगे कि कैसे साफ हो रहा है। और हार्पिक की एक सबसे खतरनाक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कि इसमें देखो यहाँ पे आपको पूरा येलो कलर दिख रहा है, लेकिन मैं एक ड्रॉप रखता हूँ और ये चेंज हो जाता है कलर। तो इसलिए ना इसको बहुत केयरफुली यूज करना है आपको, क्योंकि कई बार क्या है कि आपने कई जैसे इस पार्ट पे हम नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे लगा देता हमें पता ही इसको ख़राब कर दिया, क्योंकि हार्पिक में बहुत ज़्यादा एसिड रहता है। ये देखो, तो तरुण को इतना इसलिए पता है क्योंकि ये अपनी बाइक के एग्जॉस्ट साफ कर चुका है। तो एग्जॉस्ट यहाँ तक काला है, तो इसको यहाँ तक साफ करेंगे, सिर्फ इस निकल तक। देखो यहाँ से जो पीला पीलापन है, जो दाग नहीं थे, वो बिल्कुल साफ हो चुका है। इस पर कुछ भी काम नहीं किया, ना रगड़ा ना कुछ नहीं किया, बिल्कुल साफ हो चुका है। और जब इसको ढंग से रगड़ेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तरुण का GoPro रिटर्न हो चुका है, दूसरा आ गया, क्योंकि उसमें थोड़े से दाग वाग थे तो रिटर्न के लिए डाला हुआ था, तो आज चेंज हो गया नया GoPro। दोबारा से मुबारक हो भाई। थैंक यू यार। अच्छा अब मैं देखो आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, अब मैं फिर से इसको अप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ एक ही पाइप पे करूँगा, ताकि अब ये सूख भी चुका है, देखो पूरा सूख चुका है, और अब रगड़ूंगा ना तो इसको दोबारा लगा के रगड़ना बेटर रहता है। तो आपको इसको बड़े आराम से और थोड़ा सा जोर लगा के ही रगड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर ये बोलते ना बहुत डीट हो जाती है चीज़ें, जल जल के एक जगह जम जाती है। तो ये जो बाहर की आवाज़ें हैं इनको अवॉइड करना, ये कलोनी है यार, क्या करें, कभी बच्चे रोएंगे, कभी कोई सब्जी वाला आएगा, कभी कुछ आएगा। मेरा मोटिव है यार, आपको अगर हमारे पास थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ज़रूर मिले, तो आप अपनी बाइक को बहुत अच्छे से केयर करके रख सको, क्योंकि यार बाइक नहीं ये अपनी जान है। और लोग सिर्फ मशीन समझते हैं, लेकिन नहीं, जो यार हमें इतनी दूर तक ले जाती है वो मशीन नहीं, वो हमारा प्यार है बिल्कुल। और एक चीज़, जहाँ पे आपको जॉइंट दिखे ना वहाँ पे आपको राउंड शेप में क्लीन करना है, ताकि जॉइंट भी अच्छे से क्लीन हो जाए बारीकी से। अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल नंबर तक दिखना शुरू हो गया है पाइप पे, जो नंबर लिखा हुआ है। We'll be right back.
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार पाइप पे लेयर लगा के उसको सूखा दो, फिर सूखने के लिए छोड़ दो, दूसरी बार फिर लगाओ, उसके बाद उसको रगड़ दो अच्छे तरीके से और आपके एग्जॉस्ट क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद वॉश करने हैं, वॉश करो तो करो, नहीं तो सूखे कपड़े से भी पहुंच सकते हो आप। तो वॉश करना है तो वॉश कर दो, वरना सूखे कपड़े से काम चल जाएगा आपका। चलो अब आपको दिख तो गया ही कैसे साफ करना है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है। जब आप इसको दोबारा से रीइंस्टॉल करो तो बस करना क्या आपको, थोड़ा सा जरवर लग जाता है नटों पे, तो आपको थोड़ा सा स्प्रे यहाँ करना है इस होल पे, तो काम सेट। अब इसको लगा देना है हमें। आपका कोई लॉक ख़राब हो रहा हो या फिर कुछ लॉक अटक रहा हो तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अब उधर के नट लगाते हैं। तो आपको बता दिया मैंने कैसे आपको अपने एग्जॉस्ट साफ करने हैं, अपनी बाइक के साफ करने हैं मतलब। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये शोकर है। तो इसमें क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा चलने के बाद या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने के बाद या फिर किसी डर्ट जगह पे जाने के बाद क्या होता है, इसमें थोड़ी सी चू चू की आवाज़ हो जाती है। तो वो क्या होता है, एक यहाँ पे इधर और एक ये इधर स्टार्टिंग पॉइंट, इस पे आप WD-40 लगा दो और उसके बाद साफ कर दो, आवाज़ गायब। मैं बहुत बार कर चुका हूँ, दो बार आवाज़ आ चुकी है, दो बार मैं बंद कर चुका हूँ, बिल्कुल सेफ एंड साउंड, बिल्कुल बढ़िया। और आपको कहीं जरवर लग रहा हो तो भी आप WD-40 यूज़ कर सकते हो, और आपका जो अगर लॉक वो ख़राब हो, ढंग से काम ना कर रहा हो, पिछली बार हुआ था, बड़ा स्मूथली काम करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। देखो मेरी जो बाइक का लॉक है वो कैसे स्मूथली काम करता है। अंदर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से लूँगा चाबी और आपको दिखाऊँगा कितना स्मूथली काम करता है। स्टाइल वाली चाबी मैंने संभाल के रख दी, ये यूज़ करता हूँ। अब देखो कितनी स्मूथली काम करेगा। बहुत ज़्यादा स्मूथली काम करता है, तो WD-40 अपनी बाइक की लाइफ बचाता है, यूज़ कर लेना। अभी स्टार्ट इसको 2-3 दिन हो गए, चलो एक बार स्टार्ट तो कर ही देते हैं। मफलर लगा दूंगा ताकि राइड पे प्रॉब्लम ना हो, मफलर लगा के चलेंगे। बहुत टाइम से एक लाडला जिसके पास 600 आई है, वो बेचारा बहुत टाइम से कह रहा था भैया एग्जॉस्ट कैसे साफ़ करने हैं, एग्जॉस्ट कैसे साफ़ करने हैं, एग्जॉस्ट कैसे साफ़ करने हैं। वो कम से कम भी मेरे को बताने के बाद कम से कम 4-5 बार बोल चुका होगा, और मैं बार बार मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी मैंने बता दिया भाई मेरा अधूरे काम पूरे हो गए। तो एग्जॉस्ट पर वीडियो बना दी, अब जाओ और अपनी जानू को चमकाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। यहाँ पे लॉन्ग राइड पे ही मज़ा आता है मुझे, यहाँ पे सिंपल व्लॉग बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो क्या करें, मजबूर हूँ, हर टाइम लॉन्ग राइड पे नहीं रह सकता, लेकिन इच्छा तुम्हारे भाई की लॉन्ग राइड ही है। तो चलो 10 तारीख को लॉन्ग राइड होने वाली है।